आंदोलन पिछले 10-12 दिन से दिल्ली में चालू है। दिल्ली की चारों बॉर्डर जो है वहाँ पर किसान लाखों की तादाद में बैठे हैं 10-12 दिन से। इतना ठंड है फिर भी इस ठंड के दिनों में आंदोलन करने वाले किसानों पे पानी के फवारे मारे गए, उसमें गुरमीत सिंह बोल के एक किसान शहीद हो गया, फिर बाद में और एक किसान गुरबचन सिंह चल बसे, आज तीसरा एक किसान हार्ट अटैक से चले गया है। इन किसानों की मांगे वाजवी है, ये तीनों जो काले कानून है किसानों के खिलाफ, खेती के खिलाफ, वो रद्द करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए और किसानों की मांगे पूरी करना चाहिए। MSP की मांग ज़्यादा महत्व की है उसमें, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बहुत सा फायदा पंजाब और हरियाणा के किसान को हुआ है, इसलिए एक किसान लाखों की तादाद में वहाँ पर आए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये पंजाब और हरियाणा के किसानों का सवाल है। खेती जो है प्राइवेट करना चाह रही है मोदी गवर्नमेंट, कारपोरेट घराने जो है अंबानी अदानी इनको हर चीज़ दी जा रही है, रेलवे दी गई, कोल माइंस दिए गए हैं, BSNL उनको दिया जा रहा है, LIC दी जा रहे हैं, अब खेती भी दी जा रही है। इसलिए 23 सितंबर को जो संसद में कानून हुए, तीन काले कानून, वो किसी भी खासदार को चर्चा नहीं करने दी वहाँ पर, किसी भी लोक प्रतिनिधि को बोलने नहीं दिया, और उसके पहले 40 से ज़्यादा कामगार कायदे भी रद्द करके उसके 4 लेबर कोड तैयार किए गए हैं। इसलिए ये किसानों के आंदोलन को सपोर्ट बोल के आज BJP को छोड़ के सब संगठना एक हुई है, करीब करीब 20-22 पॉलिटिकल पार्टीज और कामगारों की संगठना, विद्यार्थियों और महिलाओं की संगठना, ये सब एक हुए है। आज औरंगाबाद जिले में हम यहाँ पर अभी रास्ता रोको करने जा रहे हैं और अच्छी तादाद में हम रास्ता रोको करने वाले हैं। पूरे जिले भर में गंगापुर है, सिल्लोड है, पैठन है, सब तरफ पूरे तालुका में ये आंदोलन होने जा रहा है। और भी हमारे जो बाकी की पार्टियां हैं हमारे साथ, वो क्रांति चौक में कांग्रेस वालों ने किया है और सिंदूर वादों में अभी आंदोलन चालू है, पिंपलवाड़ी में अभी आंदोलन चालू है, आड़न में अभी आंदोलन चालू है, कई जगह पर ये आंदोलन चालू है। मेरे ख्याल से आज औरंगाबाद जिले के कम 10,000 किसान और कामगार और विद्यार्थी और युवक और महिला इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं। औरंगाबाद में कैसा है रिस्पांस? औरंगाबाद में कैसा है रिस्पांस बन? औरंगाबाद में तो रिस्पांस सवेरे 1 बजे तक तो अच्छा रिस्पांस था। हमने व्यापारी की जो संगठना है उनको भी रिक्वेस्ट की थी, मगर लोग अब खुद चाह रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं रहे। धर्म के नाम से जो पोलराइजेशन हो रहा है, जाति के नाम से जो पोलराइजेशन हो रहा है, हिंदुत्व के नाम पे जो पोलराइजेशन हो रहा है, उसको हमारा विरोध है। बहुजन समाज का जो हिंदू है उसको बहकाया जा रहा है, उनको हिंदू राष्ट्र का कोई लेना देना नहीं है, उनको ब्राह्मणी राष्ट्र निर्माण करना है और ब्राह्मण राष्ट्र के खिलाफ हम है, हिंदू के बाजू से हम है, भगवा के बाजू से हम है, मगर हमारा भगवा है छत्रपति शिवाजी महाराज का, हमारा भगवा है संत तुकाराम महाराज का, RSS वालों का भगवा और भगवे के नाम पे जो राजकारण करते हैं उसका हम विरोध करते हैं। मनुवाद है, ये ब्राह्मणवाद है, इसको हटाना चाहिए। कारपोरेट घरानों का विरोध करना चाहिए, खेती बचाना चाहिए और वो तीन काले कानून रद्द करना चाहिए। संविधान जो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, वो बचाना जरूरी है, ऐसी हमारी राय है। आपका नाम? मैं कॉमरेड प्रोफेसर राम बाहेती, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेशनल काउंसिल मेंबर हूँ।